पशुचर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और आज तीसरे दिन यानी कि पांचवी पारी का परीक्षा का जो आयोजन है वह खत्म हो चुका है। पशुचर भर्ती को लेकर 5,934 पदों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। कुछ स्टूडेंट अब देख लिया बाहर निकल रहे हैं जो परीक्षा देकर यहाँ पर लौट रहे हैं। पशुचर भर्ती की अगर आपको बात की जाए तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5,934 पदों पर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। लगभग 17 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा है उसमें पंजीकृत हैं। लगभग प्रत्येक पारी में अगर बात की जाए तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी यहाँ पर पंजीकृत हैं। और जो इस परीक्षा की बात की जाए तो जो परीक्षा को लेकर काफ़ी बोर्ड की ओर से तैयारियां की गई थी, समय समय पर जो बोर्ड अध्यक्ष थे वह भी इस परीक्षा को लेकर जो औचक निरीक्षण है वह भी करते हुए नजर आए थे। परीक्षार्थी अब बाहर निकल रहे हैं, इन परीक्षार्थियों से हम बात करेंगे कि इनके पेपर कैसे हुए हैं, किस तरीके से ये जो परीक्षा हुई है आयोजित, उस परीक्षा में इन्होंने जो पेपर दिया है वो पेपर किस हिसाब से रहा, क्योंकि पिछली जो पारियाँ थी उनमें हमने जाना था कि परीक्षा काफ़ी आसान बताई जा रही है, काफ़ी सरल बताई जा रही है। जीके के जो सवाल हैं वो सवाल यहाँ पर आ रहे थे। इसके साथ ही जो पशुचर के जो हैं पशुपालन के हैं वह सवाल भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आए थे। तो ऐसे में परीक्षार्थी किस तरीके से परीक्षा देकर आए, ये तमाम बातें इनसे हम करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी परीक्षा कैसे हुई थी। एक भैया यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा एग्जाम हुआ? एकदम बढ़िया है वैसे। क्या कुछ खास रहा इस परीक्षा? नहीं, इजी था पेपर, बिल्कुल आराम से बढ़िया। राजस्थान के जनरल संस्कृति वगैरह, जनरल क्वेश्चन, पशु परिचर के भी कुछ सवाल आए? हाँ हाँ बिल्कुल, पशु परिचर के सवाल आए ना इसके अंदर। कितनी कट ऑफ जाने की संभावना? अब ये तो देखो बाकी पेपर्स और भी डेट्स में हुए ना 3, तो क्या रेशियो रहता है वो तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कौन सा पेपर हार्ड है कौन सा पेपर इजी है, इस वजह से पता चल नहीं पाएगा, तो देखते हैं। बाकी पेपर इजी था, पेपर इजी था। जैसे कई सवाल हमने देखे थे कि ऐसे आए थे जिनमें सवाल आंसर गलत थे, नहीं ऐसा इसमें तो नहीं है। बाकी तो अब देखो आंसर की क्या जाती है, बाकी तो ठीक है पेपर। सुपर पशु से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, और स्टूडेंट इनसे भी जानना चाहेंगे कैसा एग्जाम रहा? बढ़िया। क्या कुछ खास था इसमें? सब अच्छा था, सब कुछ बढ़िया हुआ है। कौन से सवाल थे जो ज्यादा आसान? रीजनिंग के थे, रीजनिंग मैथ हुई। पशुपालन के भी सवाल थे? हाँ थे उसमें, पशुपालन के भी। क्या कट ऑफ जा सकते? जा सकते हो उसके कम से कम 120-125 के आसपास। 120-125 जा सकती है, चलिए बहुत बढ़िया। और भी कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा देकर आए हैं ये इनकी परीक्षा कैसी रही, किस तरीके से, जो आपने सुना कि बहुत सरल पेपर यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ और स्टूडेंट आ रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कैसा रहा भैया एग्जाम? अच्छा गया पेपर। कैसा पेपर था, स्तर क्या था? पेपर स्तर ज़्यादा ठीक था, मतलब एवरेज था। मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें। ऐसे गिना तो मैंने नहीं, लेकिन पशुपालन के मतलब जैसे डिजीज के बारे में ज़्यादा थे। मतलब कोई सा पार्ट जो हार्ड था? हार्ड तो मेरे को तो ज़्यादा एवरेज ही थे लगभग सारे मेरे हिसाब से, तो हाँ मैथ का कह सकते हैं थोड़ा सा है। मैथ का थोड़ा सा हार्ड था, चलिए बहुत बढ़िया। क्या कट ऑफ जा सकते हैं सर इसका अंदाजा? लेकिन जो करंट अफेयर है ना वो 2023 तक की भी आ गई, 2023 तक की करंट अफेयर आई। हाँ हाँ, तो मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, 17 लाख स्टूडेंट हैं सर। ये तो मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, तो ठीक था, अच्छा था, अच्छा था, बहुत बढ़िया। कुछ और स्टूडेंट भी आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए लगातार इस भर्ती परीक्षा को जो कंडक्ट कराया है बोर्ड की ओर से, वो लगातार ये कह रहे थे कि जो 10वीं स्तर की है, क्योंकि ये 10वीं पास की परीक्षा है और इसमें बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट यहाँ पर हैं, हम उनसे पेपर जानना चाहेंगे। भैया एक बार पेपर कैसा पेपर रहा आपका, कैसा हुआ? पेपर ठीक रहा था, पेपर अच्छा रहा। हाँ। कौन से सवाल जा रहा है अभी? तो वो सवाल तो इसमें ज़्यादा पैटर्न तो राजस्थान जीके का है, और उसके बाद साइंस भी एवरेज आई थी, लेकिन वो पिछली एग्जाम लगी ना 4 पेपर उनसे थोड़ा टफ लगा था ये पेपर। आज का पेपर टफ बता रहे हैं आप? थोड़ा था, इतना था नहीं, लेकिन पहले से भाई थोड़ा बहुत था टफ। आपने वो चारों पेपर देखे थे? हाँ। क्यों, कैसे आसान लगे? वो उनमें जो राजस्थान जीके का वो था ना वेटेज, वो थोड़ा भाई इस लेवल से थोड़ा इजी था वो, मतलब सारे सवाल इजी। हाँ, इसमें करंट के भी थोड़े बहुत ज्यादा वो थे भाई। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ और स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का उनका जो पेपर था। भैया से जाने, भैया कैसा एग्जाम रहा? बढ़िया रहा एग्जाम, बिल्कुल करंट अफेयर जीके था उसमें, और थोड़ी मैथ टिपिकल थी, बाकी तो पेपर बिल्कुल A1 था ये। कई स्टूडेंट बता रहे हैं कि पिछले 4 पारियों के पेपर से टफ पेपर ये। हाँ टफ पेपर, मैथ ही टफ था, बाकी करंट अफेयर
और जीके बिल्कुल इजी था, इतना वो नहीं। बराबर चांस है, यदि बैठता भी है ना तो इसमें लगभग 110 से 15 के बीच में ही बैठेगा। 110 से 15 के बीच। आपका कैसा? मेरा अच्छा हुआ था एग्जाम। अच्छा, क्या कुछ विशेष रहा इसमें? विशेष ये रहा, राजस्थान जी की बहुत ही पूछा गया, बाकी करंट का लेवल ठीक था, करंट ही ज्यादा क्वेश्चन थे। बताया जा रहा है करंट अफेयर्स 2023 तक का पूछा गया। हाँ, करंट काफी पुराना भी था, लेकिन वो अब करंट अब से जुड़ा हुआ ही तो है। इसका पूछा गया, लेकिन ठीक था कुल मिलाए पेपर 110 रो स्कोर शायद। जो पहले चार पारियों में पेपर दिया वो कह रहे 130-140 है, उनमें तो हो सकता था हम भी ले आते 140, लेकिन इसमें 110 तक ही होगा। ये पेपर हार्ड था। हाँ, ये 110 से 15 के बीच में होगा। पूरा एनसीईआरटी का था इसमें, 10वीं लेवल तक का था, जीके साइंस। सुपरिचर पार्टी क्वेश्चन ही 5-7-10 आए, हाँ बाकी आए ही नहीं। क्या कैसा पेपर? ठीक रहा, वैसे परफेक्ट वाले आते थे 95 के आसपास, और उससे ऊपर वाले वैसे टम्पे। हाँ, लेकिन कट ऑफ 120 के आसपास रहनी चाहिए इसमें, क्योंकि लेवल सिंपल सा ही है, वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है। साइंस भी ज्यादा हार्ड नहीं थी, मैथ का भी और जीके तो वैसे सिंपल ही आ रहा है, तो 120 से ऊपर जानी चाहिए कट ऑफ। आज का पेपर पिछली चार पारियों से हार्ड बताया जा रहा है? नहीं, उस सिंपल ही, उस सेम सा ही है। पिछली जो कल वाली पारी थी ना सेकंड, उससे तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन और जैसे ज्यादा हार्ड नहीं है, सेम सा ही है पेपर ज्यादा। चलिए, सेम सा है ये पेपर। स्टूडेंट से हमने जाना है कि किस तरीके से यहाँ पर पेपर आया है, और पिछली चार पारियों का जो पेपर था उससे ये थोड़ा सा हार्ड है। ऐसे में अब देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कुछ कट ऑफ रहती है। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूँ ललित वर्मा।